नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं, अगर आप अपने शत्रु के नाम से यह कर देंगे तो वह बर्बाद हो जाएगा, वह तड़प उठेगा, वह अपने जीवन में कुछ ना करने के काबिल रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शत्रु है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो अपने शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए, उसका उच्चाटन करने के लिए आप यह सरल सा उपाय कर दीजिए दोस्तों। आपका शत्रु आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। बहुत ही चमत्कारी टोटका है दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते ही हैं दोस्तों कि पीपल, नींबू और कील, इन तीनों चीजों का तंत्र में क्या महत्व है। नींबू से बहुत उपाय किए जाते हैं, हजारों उपाय किए जाते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको विधि बताने जा रहा हूं वह सबसे अद्भुत है। इतनी चमत्कारी है दोस्तों कि करते ही इसके परिणाम आपके सामने आएंगे। अगर आप इस पूरे के पूरी टोटके की विधि जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बड़ी मेहनत से और प्रभावशाली टोटके आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को आपने किस प्रकार से करना है। दोस्तों, आपने चार पीपल के पत्ते लेने हैं, चार नींबू लेने हैं और चार कील लेनी है। अब ये दोस्तों आपने किस प्रकार से लेने हैं, अब जैसे कि मैं आज आपको उदाहरण के तौर पे बनाता हूं कि जो आपका शत्रु है उसका नाम है राजू, तो उसका नाम दोस्तों चार अक्षरों का हुआ, तो आपने क्या करने हैं, चार ही पीपल के पत्ते लेने हैं। अगर आपके शत्रु का नाम छह अक्षरों का है तो आपने क्या करना है कि छह पान के पत्ते, छह नींबू और छह कील लेके आनी है। तो जैसे हमारे शत्रु का नाम राजू है, तो राजू के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पीपल के पत्ते के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख लेना है, दूसरे के ऊपर भी, तीसरे के ऊपर भी, चौथे के ऊपर भी, और नींबू के ऊपर भी इसी प्रकार से सिंदूर की सहायता से आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इन सारी क्रियाओं को अपने सामने रख लेना है और इन चारों नींबुओं को आपने इस प्रकार से अपने हाथ में ले लेना है और एक मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, जो मंत्र है उसका आपने जाप किस प्रकार से करना है, ओम रक्त तुंडाय स्वाहा, ओम रक्त तुंडाय स्वाहा। इस मंत्र को दोस्तों आपने टोटल 11 बार पढ़ना है। तो दोस्तों, नींबू को हाथ में लेके आपने उस मंत्र का जाप करना है, उसके बाद आपने चारों कीलों को अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्री कली कली काली कंकाली महाकाली खप्पर वाली अमुक्याय। जहां पे दोस्तों अमुक्याय दिया हुआ है वहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लेना है। मैं मंत्र आपको फिर से बता देता हूं, ओम ह्री ह्री कली कली काली कंकाली महाकाली खप्पर वाली अमुक्याय। तो दोस्तों, इस प्रकार से कीलों को आपने हाथ में लेके इस मंत्र को टोटल 151 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि एक नींबू को आपने इस प्रकार से लेना है, इस पीपल के पत्ते में आपने ऐसे रखना है, और रखने के बाद इसके अंदर से आपने इस प्रकार से यह निकाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरा नींबू लेना है, इस पीपल पे पत्ते पर रखना है, और उसके अंदर से भी आपने इस कील को इस प्रकार से निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने तीसरा नींबू लेना है, इस प्रकार से यहां पर रखना है, और आपने इस कील के द्वारा इसको भी इस प्रकार से छेद देना है। और फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि जो हमारा आखिरी नींबू रहेगा उसको भी इसके बीच में रखना है, रखने के बाद इस कील को इस प्रकार से नींबू के अंदर डाल देना है। और दोस्तों, जब आप चारों नींबुओं के अंदर यह क्रिया कर रहे हो, आपने उस मंत्र का जाप करते जाना है, जो मंत्र था ओम रक्त तुंडाय स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण आपने दोस्तों करते जाना है। और करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि एक काला धागा लेना है, एक काला धागा लेना है आपने, और धागा लेने के बाद इस कील को आपने यहां से लपेटना है और पीपल के पत्ते के सामने से लपेटना है। दोस्तों, पीछे से हमने कभी भी इसको नहीं लपेटना, और लपेटने के बाद इसको इस प्रकार से लपेट लेना है। उसी प्रकार से दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जो ये दूसरा नींबू रहेगा
इसको भी हमने इस ही के साथ में लपेटना है, स्टार्टिंग आगे से और फिर आगे से ही घुमाना है और नीचे से हमें अच्छे से इसको इस प्रकार से बांध देना है। ये देखिए दोस्तों, बांधने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर से घुमा लेना है और दोस्तों उसके बाद हमें यह तीसरा लेना है, तो तीसरे को भी हमने ऐसे ही करना है, इसी ही प्रकार से सबसे पहले यहाँ से बांध लिया और उसके बाद इसके आगे से इस प्रकार से हमने यह घुमा के इन सभी को एक साथ ही बांध लेना है। फिर हमने यह जो चौथा नींबू था इसको भी उठाना है और इसको भी उठाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पर रखना है और रखने के बाद स्टार्टिंग में यहाँ से आपने कील के ऊपर लगाना है और फिर आगे की तरफ यहाँ से इसको बांध देना है। इस प्रकार से आपने इन सभी को अच्छे से इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों जैसे कि दो किले हमारी इस तरफ निकली हुई हैं और दो किले हमारी नीचे की तरफ हैं, इसको ऐसे ही आपने लेके जाना है और सीधा पीपल के पेड़ के ऊपर आपने किसी भारी जैसे कि पत्थर ले लीजिएगा, किसी भी और चीज से इसको ऐसे ही आपने पीछे से ठोक कर पीपल के पेड़ में गाड़ कर आ जाना है। बस दोस्तों इस तरीके से गाड़िएगा कि ये थोड़ा छुप भी जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को नजर भी ना आए, इसको गाड़ के आ जाएंगे दोस्तों लगभग 3 दिन के अंदर ही आपके शत्रु के पूरे समस्त परिवार में, उसके मन में, उसके कारोबार में, उसके हृदय में उच्चाटन पैदा होना शुरू हो जाएगा, उसके शरीर में बीमारियां प्रवेश करने लगेंगी, उसकी सुंदरता खत्म होने लगेगी, वह तड़प तड़प कर यह इन सभी बीमारियों से, इन सभी पीड़ाओं से इतना लड़ लड़ के थक जाएगा कि वह भूल जाएगा कि मेरा कोई शत्रु भी था, वह कभी आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो दोस्तों यह जो विधि है यह हम शनिवार की रात्रि काल में ही करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, इसको और किसी भी दिन नहीं किया जाता। शनिवार में जब रात्रि काल हो 9 बजे के बाद किसी भी वक्त आप इसे कर सकते हैं और करने के बाद रात्रि काल में ही आपने इसको पीपल के ऊपर इन चारों किलो के सहित इस नींबुओं को गाढ़ कराना है। तो दोस्तों यह बहुत ही सरल और इतना चमत्कारी उपाय है कि आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को ढेर कर सकते हो, उसके किए जा रहे जुल्मों से छुटकारा पा सकते हो और उसे परेशान भी कर सकते हो। तो दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हो सके तो आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।